मैंने आपके परिवार के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है, जिससे ये अडॉप्शन का मामला थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है। आप प्लीज खुलकर बताइए। आपके ससुर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है, जिससे हमारे कमेटी मेंबर्स को लगता है कि आपकी फैमिली अडॉप्शन के लिए एक आदर्श फैमिली नहीं है। यही बाकी रह गया था लाइफ में। दीप्ति बस फिर टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ करेंगे हम। सुनीता दाई, एक प्रॉब्लम आ गई है। जी बोलिए पुष्पा जी। मेरे बेटे और बहू, उन्होंने एक बच्ची को गोद लेने का फैसला किया था, लेकिन अडॉप्शन सेंटर वाले बोल रहे हैं कि हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है। आप फिक्र ना करो रुक्मणी, यू लुक आफ्टर दिस मैटर। जी ताई। अरे चिराग, आम आओ। बस किसे ढूंढ रहा है? प्रार्थना को। वो अपने रूम में पिछले 2 घंटे से परम सुख की निद्रा ले रही है। ऐसे घोड़े बेच के सो रही है ये लड़की, कोई देखेगा ना तो बोलेगा इसको ससुराल में सोना ही नहीं मिलता। क्या हुआ चिराग, क्या सोच रहा है? मम्मी, ये सोच रहा था कि लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना, अचानक से अपना घर छोड़कर नए घर में जाना, दूसरे ही दिन से खुद के मम्मी पापा भाई बहन सबकी जगह पति के मम्मी पापा भाई बहन को अपना बना लेना, कैसे मैनेज करती होंगी? मुझे तो किसी और के घर पे, यहां तक कि किसी और के बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। अपना तकिया ना हो ना तो भी नींद नहीं आती। चिराग, कुछ हुआ है क्या? प्रार्थना ने कट्टी की है क्या? मम्मी वो तो चलता रहता है, हस्बैंड वाइफ तो हम सिर्फ नाम के ही है तो भाई पहले जैसे दोस्त, लेकिन वो मुझसे ज्यादा देर तक रूठी रहे, वो मुझे पहले भी अच्छा नहीं लगता था और अब तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मम्मी, हे माँ, भगवान, क्या हुआ? अरे बहुत दुख रहा है पेट में। जल्दी से पानी लेकर आना। अरे बाप रे, बहुत पेट में दर्द हो रहा है अचानक। शांत हो जाओ मम्मी। बाप रे भगवान। मम्मी पानी पीजिए। ना ना ना, एक घूंट पी लीजिए, बेहतर लगेगा। मम्मी आप अंदर लेट जाइए, पन्नू इनको जल्दी से अंदर लेकर जाइए। बाप रे, ओ माड़ी रे भगवान। मम्मी आराम से, या लेट जाइए। बाप रे बाप रे। ओ ओ माँ, हे भगवान, तुम लोग चिंता मत करो, मैं थोड़ा आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। मरोड़ आ गई थी लगता है। अच्छा हुआ चिरा तू यहीं पे था। मम्मी आप आराम कीजिए, हम बाहर ही हैं। पन्नू मम्मी को आराम करने देते हैं। थैंक्स यार चिराग। अरे तू था उसमें थैंक्स की क्या बात है, हमारी मम्मी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? I'm sorry चिराग, मैं तुझसे अपसेट हो गई थी। ड्रामा काम कर गया हम बीमा। आज तुझे जिस तरह गहरी नींद में देखा, वैसे अपने घर में कभी नहीं देखा। कितना सुकून था तेरे चेहरे पर, खुद का बेड है इसीलिए। एक्चुअली चिराग, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन बात बेड की नहीं है, मायके का सुकून ही कुछ और होता है। मैं कोशिश करूंगा कि तुझे ये सब हमारे अपने घर में भी मिले, वैसा ही सुकून, वैसी ही शांति, वादा करता हूँ। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स एक साथ एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। इस बात का मुझे इतना गहरा सदमा लगा था कि ऐसे लगा था जैसे मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई हो।
I was deeply shattered. बहुत ट्रॉमा में था मैं. कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे. It was scary. मन ही मन में मैं अपने माँ-बाप को कई बार इमेजिन कर लेता. तुम्हारी तरह मुझे भी हैलुसिनेशंस होने लगे थे राशि. सेम मेरे साथ भी हो रहा है. जुगल अंकल पे इल्जाम लगाने का गिल्ट भी है. डैड चले गए दोबारा, उसका गुस्सा भी है. और डैड को मिस भी बहुत करती हूँ. कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ मैं. सब चीजें एक साथ हो रही है मेरे साथ. I know. वो क्यों चले गए, वो कैसे थे, वो क्यों नहीं है, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है राशि. तुम सिचुएशन को बदल नहीं सकते. हाँ, लेकिन उस सिचुएशन पर तुम्हारे रिएक्शंस को कंट्रोल जरूर कर सकती हो. आग दिए में भी होती है, चूल्हे में भी और चिता में भी, लेकिन हर एक का रूप अलग, हर एक का ध्येय अलग होता है. एक ज्योत है जो भगवान के सामने जलाई जाती है भक्ति के लिए, शांति के लिए. दूसरी आग ईंधन, जिसे खाना पकता है, जीवन मिलता है. और तीसरी आग चिता की आग, जो सब कुछ भस्म कर देती है. अब तय हमें करना है कि हमें कौन सी आग जलानी है, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी की या फिर डिस्ट्रक्टिव. सर आप इतने अच्छे से समझाते हैं, पर्सपेक्टिव साफ हो जाता है. आप मेरी हेल्प करेंगे ना? प्लीज, यही रहेंगे ना आप? बिल्कुल, अब मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला. तुम्हें जब भी मुझसे बात करनी हो, कुछ भी शेयर करना हो, तो बस आके मुझे मिल लेना बेझिझक. लेकिन याद रखना, नजरिया बदलना बहुत जरूरी है. और रही बात तुम्हारे डैड की, तो समय ही उनका सच बताएगा. जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसे बेवजह अपने दिमाग में जगह देकर सरदर्द मत पालो राशि. ओके? ओके, थैंक यू. गुड. संगीता ताई, मैंने अडॉप्शन सेंटर में बात की है. वहाँ की ऑफिसर इंचार्ज कल्पना दुबे मेरी जान पहचान की निकली. उनसे मिलकर बात करूंगी तो पुष्पा बहन का काम हो जाएगा. अरे वाह, फिर तो अब भी क्या भी जाओ, नेक काम में देरी कैसी. पुष्पा जी हमारी खास मेंबर है, देखना उनका काम हो जाए. और हाँ, पुष्पा जी के बारे में तुम पॉजिटिव सोचने लगी हो, ये जानकर बहुत खुशी हुई. अब ऐसी ही रहना. बिल्कुल ताई, आप भरोसा रखिए. ठीक है, ऑल द बेस्ट. जुगल, ये सब छोड़, मेरे साथ चल. अरे क्या हो गया? पकिया की बस्ती में बुलडोजर चलाने वाले हैं. पकिया ने बताया नहीं? सारे बस्ती वाले जाएंगे कहाँ? पुष्पा आंटी, तू यहाँ कहाँ आ गया? हम तो बस निकल ही रहे थे. वहाँ पर क्या हालात है? बस्ती वाले बहुत गुस्से में, सब लोग से बात की, बहुत रिक्वेस्ट की उन लोग से. उनको बोला कि कुछ दिन की मोहलत दे दे, लेकिन वो नहीं माने. उन्होंने बोला कि ऊपर से ऑर्डर है, बस्ती तोड़नी पड़ेगी. लेकिन बस्ती वालों ने बोला अगर बुलडोजर वालों ने बुलडोजर चलाया ना, तो बुलडोजर वालों को छोड़ेंगे नहीं. बिल्कुल नहीं, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हो तुम लोग, उल्टा खुद मुसीबत में पड़ जाओगे. इसे तुम्हारा गुस्सा भी जायज है, बेघर होना क्या होता है समझती हूँ मैं. लेकिन तुम प्लीज रोना बंद कर, हम कुछ करते हैं, बोला ना मैंने. क्या हिम्मत रख, हम चल रहे ना तेरे साथ. चल चल पुष्पा, देखते हैं क्या कर सकते हैं. आ जा चल. मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, पता है फ्लाइट रात को है. मैं पासपोर्ट और वीजा रास्ते में ही पिक कर लूंगा. मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम सब कुछ रेडी रखना. ठीक है. अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू मुझे ढूंढता रहेगा जबकि मैं ये देश छोड़ चुका हूंगा.
वो दोनों बाहर बैठे हैं, पर उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ संगीता ताई के कहने पर तुमसे मिलने आई। अब तुम जाओ उनके पास, मैंने जो कहा है वही करना है। कल्पना बहुत अच्छे से जानती हूँ उनको, बहुत प्यारा जोड़ा है। शरा को लेके सब देख लो। तूने कह दिया ना, बस बात खत्म। एंड डोंट वरी, मैं इस मामले को पॉजिटिवली देखूंगी। मैं यहीं रुकती हूँ, लेकिन उन्हें पता ना चले एडॉप्शन के बारे में मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है। बैठिए। मिस्टर एंड मिसेस पटेल, अब कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो गया एडॉप्शन के रूल्स को लेके, बट डोंट माइंड, हमें अपनी इंक्वायरी पूरी करनी पड़ती है। कल सेंटर वाले आ रहे होम विजिट के लिए, जहाँ बच्ची रहने वाली है। आसपास के लोगों का, वातावरण का हमें ठीक से ध्यान देना होगा, उसके बाद ही तय करेंगे कि क्या करना है। ये मोहल्ला समिति के अध्यक्ष पुष्पा जी और उपाध्यक्ष जुगल जी हैं। पुष्पा जी कुछ कीजिए, अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे? मेरी 7 साल की बच्ची है, उसकी परीक्षा चल रही है। अब मेरी माँ बीमार है, वो चल भी नहीं पा रही है, ऐसी हालत में मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? हमारे बच्चों के सर पर का छत चला जाएगा, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अपने आप को प्लीज। मेरी बेटी की अभी अभी शादी तय हुई है, घर नहीं रहा तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद बारिश चालू हो जाएगी, ऐसे में हम गरीब लोग जाएंगे कहाँ? देखिए आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए, हम आपकी परेशानी समझते हैं और हम खुद जाकर एमएलए साहब से बात करेंगे। आप सब लोग चिंता मत कीजिए। जी, हम आपका दर्द समझते हैं और हम आपके साथ हैं। इतने सालों से हम लोग एमएलए साहब को वोट देते आए हैं, उनसे बोलिए ना कुछ करें। अब यही हमारा घर है, यहाँ से निकल कर हम कहाँ जाएंगे? हम आज के आज इस बारे में मीटिंग करेंगे, बुलडोजर ना चले इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन लेकिन ये मामला कानूनी है, ध्यान से लड़ना होगा। जुगाई, मुझसे इतना दुख नहीं देखा जाता, एमएलए पाटिल साहब से और बापोता से बात करनी पड़ेगी। अभी चलते हैं, समय बर्बाद नहीं कर सकते, चल। चल, पकिया, हम जाकर आते हैं, इस मामले का कोई हल निकाल ले। तू यहाँ पर सब हैंडल करना बेटा, कोई गलत कदम मत उठाना। मैडम, आप अचानक पुष्पा जी की मदद करने लगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये शतरंज की चाल है प्रभु, समय आने पर किसका इस्तेमाल किसके खिलाफ करना है ये मुझे बराबर आता है। तुझे कल ही चाल समझ में आ जाएगी। एक काम कर, सारी महिला मेंबर्स की लिस्ट निकाल और सबको फोन करके बोल दे कि सब कल बापोदरा चौल पहुंच जाए। सबको इकट्ठा कर। ओके मैडम। खतरनाक है मैडम, पता नहीं नया क्या करने वाली है। स्वरा! 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 क्या हुआ चिराग? स्वरा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई मतलब? कहीं नहीं मिल रही, हर जगह ढूंढ लिया उसे। अरे इसका क्या मतलब है? बहन, तेरे दुकान में आई थी क्या चॉकलेट लेने? नहीं। गोलू के साथ खेलने? गोलू तो सामान देने गया है। पापू तेरा, तेरे घर भी आती है ना कभी कभी चॉकलेट मांगने? अरे ना भाई, हम लोग भी उसी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ जा सकती है बच्ची? ये दीप्ति, तू टेंशन मत ले बेटा, मिल जाएगी। आखिरी बार कब देखा था अश्विन? मैं जब घर आया तो यहीं पे थी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अडॉप्शन वाली बात सुन ली हो और डर के मारे किधर चली गई हो? अडॉप्शन सेंटर से कौन था? मुझे बहुत डर लग रहा है अश्वर, कहीं कोई बात गलत हो गई हो, वो लोग हमसे सुरा छीन लेंगे तो। अम्मे माँ, इस एरिया से तो वो परिचित भी नहीं है, कहाँ जा सकती है? अडॉप्शन ऑफिसर्स कल आ रहे हैं, अगर आज सुरा नहीं मिली तो हम सुरा को हमेशा के लिए खो देंगे। दीप्ति तुम पैनिक मत हो, मिल जाएगी वो। कहीं सुरा चौल के बाहर तो नहीं चले गए? सीसीटीवी है ना? हाँ। ये बापू उधर है? अरे चल चल चल। हेलो, आपने जो लोकेशन भेजा था मैं वहां पहुंच गया हूँ। आपका वीजा और पासपोर्ट भी है मेरे पास। वेरी गुड, मैं बस वहां पहुंच ही रहा हूँ। जितना बोल रहा हूं उतना ही करना है। वहां जाके खड़े हो जा, वहां से हिला या संतोष को इशारा करने की कोशिश की तो गोली भेजे के अंदर। मैडम हम लोग रेडी है। फॉरवर्ड कर चिराग। लो अब सब ढूंढ रहे, वो फुटेज शुरू हो गया, मतलब पूरा फुटेज देख लिया, बच्ची चाल से बाहर निकली ही नहीं। इसका मतलब स्वरा चाल में ही है, लेकिन कहां? ये किसी के घर में तो नहीं छुपी वो? जी, लगता है हमारी स्वरा डर के मारे कहीं चिप गई है। मैं उसे 3 बार पुकारूंगा, अगर वो बाहर आती है तो ठीक, वरना। सर, स्वरा, स्वरा बाहर आ जाओ। देखो अगर अभी तुम बाहर आ गई तो पुष्पा इंपॉसिबल के घर से तुम्हें कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन अगर अभी तुम बाहर नहीं आई तो फिर पुष्पा जी आप एक काम करना, आप किसी और बच्ची को अडॉप्ट कर लेना। नहीं, आप किसी और बच्ची को ही घर लेके आइए, वो बेटर रहेगा, है ना? अरे ताजो अतोपर जीवन, ये कैसा खेल खेलना हुआ? सब लोग ढूंढ रहे थे तुम्हें। सारे चौल वाले ढूंढ रहे थे सोरा। पुष्पा इंपॉसिबल, मुझे उनके साथ नहीं जाना। मैंने अश्विन दादा और दीप्ति दीदी की बस सुन ली थी, इसलिए मैं डर गई और छुप गई। और कोई तुम्हें लेने नहीं आ रहा है बेटा, हाँ? वो तो बस तहकीकात कर रहे हैं ना, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मेरी बेटी को मेरे घर से लेकर जाए। हाँ? दीप्ति, इसे अंदर ले जाए, कुछ खिला दे, और अकेला मत छोड़ना है बिल्कुल भी। हाँ माँ। चल। अभी तुम लोग भी जाओ हैं, सॉरी तकलीफ के लिए, सॉरी और थैंक यू। अच्छा पुष्पा, तुझसे एक जरूरी काम है, जरा घर पे आना। हाँ काम तो मुझे भी है तुझसे, तुझा मैं आती हूँ। जल्दी आ। सर अच्छा हो गया आपका ध्यान चला गया, वरना तो सांस अटका दी थी इस लड़की ने। जैसे राशि वैसे स्वरा, अपनों से छीन जाने का डर, साइकोलॉजी पुष्पा जी। एनीवे थैंक गॉड शी इज फाइन, मैं आता हूँ। थैंक यू सर। जुगल मैं बापूद्रा से मिलकर आती हूँ। पुष्पा आंटी, कितना वेट किया, आप नहीं आई तो अब उनको बस्ती वालों को छोड़कर आना पड़ा। अरे मैं ऐसे फंस गई, हमारे पास कल रात तक का ही समय बचा, बस्ती खाली करने को जो समय दिया वो खत्म हो जाएगा। आपने मदद का वादा किया था लेकिन आपने एंड मौके पर टांग दे दी,
ए पकिया, ये किस तरह बात कर रहा है पुष्पा से? तो क्या करूं सेठ, मैं जंचल बस्ती में रहता हूँ, उसे गिराने का ऑर्डर आया है। पिछले 25 सालों से लोग रहते हैं वहाँ, हमारे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ है, पानी और बिजली की लाइन भी है जो खुद सरकारी लोगों ने बना की थी, और बोलते कि बस्ती इलीगल है। ए पकिया बस, जंजील बस्ती की फाइल। हाँ, इनकी बस्ती के डिमोलिशन के ऑर्डर आए। क्या? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.